यह डींगे हांकने का वक्त है। जी हाँ, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लागू है, कुछ कर तो नहीं सकते, तो लाइमलाइट में आने के लिए डींगे ही हांकना शुरू कर दें। बहुत से नेता, अभिनेता और तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता सोशल साइट्स पर आपको डींगे हांकते हुए दिख जाएंगे। मसलन किसी गरीब को 1 किलो आलू दान करते हुए दिखाई देना आम बात हो गई है। डींगे हांकने की ताजा मिसाल पेश की है उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा विभाग ने। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग आदेश निकालता है कि अध्यापक लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। अनेक अध्यापक इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और मोबाइल के स्क्रीनशॉट से लेकर सोशल साइट्स पर अपलोड भी कर चुके हैं। कुछ एक ने तो अखबारों की सुर्खियां भी बटोर ली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका सामाजिक स्तर क्या ऐसा है कि उनके पास इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन उपलब्ध होगा। गरीब परिवारों के जो बच्चे मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में आते हैं, क्या उनके पास वह सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। अगर देखा जाए तो इन विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आते हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के संसाधनों की उपलब्धता को मान लेना सरासर बेईमानी है। अब यह शगुफा उड़ा तो उड़ा कैसे? माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षा विभाग के ढांचे में अधिकारी इतने अधिक हैं कि उनके पास काम धाम करने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं, और अपना महत्व सिद्ध करने के लिए वह दिन प्रतिदिन नए नए फॉर्मेट पर नई नई सूचनाएं विद्यालयों से मांगते रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि अध्यापक अध्यापन कार्य के बजाय इन सूचनाओं को बनाने में अपना सारा समय जाया करते रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करना भी ऐसे ही अधिकारियों का एक शगुफा है जो लॉकडाउन की अवधि में भी लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश बच्चों का इससे कोई भी हित होने वाला नहीं।